नमस्कार, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ में लेसन वन ए थैंक यू प्रेयर, ईश्वर को धन्यवाद की पोइम पढ़ेंगे। आइए फर्स्ट बिंदु पर आते हैं। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसका जवाब हमें अपने हिसाब से देना है। व्हाट डू यू से टू योर फ्रेंड व्हेन ही सी, यहाँ ये है कि अगर पुरुष के लिए है तो ही का प्रयोग होगा और महिला के लिए है तो सी का प्रयोग होगा। हेल्प्स यू, यानी कि जब आपके कोई दोस्त और आपके मित्र जब आपकी कोई मदद करते हैं तो आप बदले में उन्हें क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जब वे हमारी सहायता करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। आइए पॉइंट नंबर टू पर चलते हैं। व्हाट थिंग्स डू योर मदर एंड फादर डू फॉर यू, यानी कि जो आपके माता पिता है वो आपके लिए कौन कौन सी थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीज़ें आपको आपके लिए करते हैं, क्या करते हैं बताइए बच्चों? जैसे आपके पिताजी हैं वो आपके लिए क्या करते हैं? वे आपके लिए धन कमाते हैं। माँ हैं वो आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है और घर के कई अन्य कार्य भी करती है। आइए नंबर तीन पर चलते हैं। व्हाट शुड वी से टू आवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस, हम जो हमारे माता पिता है उन चीज़ों के लिए क्या कहना चाहिए जो हमें देते हैं? क्या कहना चाहिए हमें? हमें माता पिता को भी थैंक यू कहना चाहिए। जो चीज़ें हमें देते हैं उसके लिए हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। आगे चार नंबर पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट शुड वी से टू गॉड फॉर दिस थिंग्स ही गिव्स टू अस, यानी कि जो वस्तु हमें ईश्वर ने दी है उनके लिए हमें क्या कहना चाहिए? तो उनके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। पहली लाइन में हमने पढ़ा दोस्तों के लिए क्या बोलेंगे हम, जब वे हमारी मदद करेंगे तो उनको भी थैंक्स बोलेंगे। दूसरी लाइन में हमने पढ़ा मदर और फादर, उनको क्या बोलेंगे? थैंक्स बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। और इसी प्रकार हमने धन्यवाद बोलने के बारे में, थैंक यू बोलने के बारे में जाना। आइए अब हम पोइम पढ़ते हैं। लेट्स रीड द पोइम, आइए इस कविता को यहाँ से पढ़ें। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, फॉर आईज एंड ईयर्स एंड हैंड्स एंड फीट, थैंक यू गॉड। इस कविता में भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दिया गया है। किन चीज़ों के बारे में दिया गया है ये देखिए कि वे हमें क्या देते हैं। पहली लाइन में देखिए फिर से, फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, वे हमें पीने के लिए दूध देते हैं और खाने के लिए भोजन देते हैं, और फॉर आईज एंड ईयर्स एंड हैंड्स एंड फीट, और भगवान ने, ईश्वर ने हमें आंखें दी है, हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, और इसी प्रकार हमें कार्य करने के लिए हाथ और पैर भी दिए हैं। इसलिए हमें भगवान जी का धन्यवाद
करना चाहिए। तो बच्चों जैसे इस लाइन में हमने पढ़ा मिल्क, मिल्क का अर्थ आप वैसे जान ही गए होंगे, मिल्क यानी दूध, ड्रिंक का मतलब हुआ पीना, फूड यानी भोजन, ईट यानी खाना, यानी कि हम दूध, हमें दूध पीने के लिए दूध और खाने के लिए भोजन मिलता है। इसी प्रकार दूसरी लाइन में आइज मतलब आंखें, ईयर्स कान, हैंड्स हाथ, फीट यानी पैर, और थैंक यू गॉड मतलब भगवान जी का धन्यवाद। फोर मदर फादर एंड देयर केयर, फोर आवर हाउस एंड क्लॉथ टू वियर, थैंक यू गॉड, यानी कि जो माता पिता है वे हमारी देख रेख करते हैं और हमें घर पहनने के लिए पोशाक ये सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसलिए हमें उनका भी धन्यवाद देते हैं। आगे फॉर फ्रेंड्स विथ वूम आई रन एंड प्ले, फॉर सन एंड रेन एंड नाइट एंड डे, थैंक यू गॉड, यानी कि हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं उन दोस्तों के लिए जिनके साथ हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, धूप वर्षा रात तथा दिन के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं, भगवान जी का धन्यवाद करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स यू गिव टू मी हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल बी, थैंक यू गॉड, यानी कि ईश्वर को धन्यवाद हम उन सभी चीज़ों के लिए जो ईश्वर ने हमें दी है और हमें हमेशा खुश रहने के लिए और चिंता मुक्त रहने के लिए भगवान जी ने हमारी मदद की है। तो बच्चों ये जो लेसन है इसको हम दो बार आप सुनेंगे, दो बार सुनने के बाद में इसको आप बुक में खुद अपने आप से स्पेलिंग पढ़ के और फिर इसका हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, और इनके भी जो स्पेलिंग्स है वो पहले करा दी है तो आप साथ में वो कॉपी अपने साथ रखेंगे, साथ में बुक का पहला पेज निकालेंगे और जो स्पेलिंग आपको कठिन लगे वो आप उस कॉपी में देखेंगे और उसके बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।